गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक संधि चल रहा है, कल जो हमने टॉपिक चलाया था संधि, तो हमने स्वर संधि पढ़ ली थी, लेकिन स्वर संधि के भेद आज हम पढ़ेंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और आयादि संधि। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा है दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? वैसे तो हमें इसके नाम से पता चल रहा है, दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है, यानी कि दो समान स्वर या दो सहजातीय स्वर, यानी कि ए की जा, ए आ, ई ऊ, सहजातीय स्वर अगर परस्पर मेल होकर और उनमें कौन सा बड़ा रूप या दीर्घ रूप में वो अगर आते हैं, तो वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहां पर देखो, दो समान स्वर या सहजातीय स्वर, यानी कि दो समान स्वर होते हैं या सहजातीय स्वर होते हैं, तो सहजातीय स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं, यानी कि बड़ा रूप ले लेते हैं, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उसे कौन सी संधि कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब आपको ये देखना है कि समान स्वर कौन से होते हैं, नहीं सजातीय स्वर कौन से होते हैं। जैसे कि भाई ए प्लस ए, आपको ये ध्यान रखना है, आ हो गया, यानी कि यहाँ पर बड़ा, इनके मिलने से ए और ए मिलकर भी क्या हो गया? दीर्घ रूप अगर इन्होंने ले लिया, बड़ा हो गया, तो वो क्या हो गया? दीर्घ स्वर संधि। यानी ए के साथ अगर आ मिल गया तो भी आ हो गया, अगर आ के साथ ए मिल गया तो भी आ हो गया, अगर आ के साथ आ मिल गया तो भी आ हो गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर दो समान स्वर या सहजातीय स्वर अगर आपस में परस्पर मिलकर अगर दीर्घ हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पर हमने एक एक उदाहरण ले लेते हैं हम इनके, स्वे का स्वे प्लस अर्थ, तो ये क्या हो गया? स्वार्थ। ए और ए मिलकर क्या हो गया? आ बन गया, स्वार्थ हो गया, ए प्लस आ, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस आ मिलकर भी हमको आ बनाना है, तो यहाँ पर भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय क्या हो गया? भोजनालय। यहाँ पर आ हो गया, ठीक है, ए और आ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया, भोजनालय। अब आ प्लस ए, ठीक है, तो यहाँ पर विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी क्या हो गया? विद्यार्थी, विद्यार्थी हो गया, ठीक है। अगर हम आ प्लस आ मिलकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय, विद्यालय हो गया। इसी प्रकार ई का ले लेते हैं हम, सहजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? ए आ ई ऊ, यानी कि पहले समान स्वर ए और आ दोनों एक ही सजातीय होते हैं, और ई और ई दोनों छोटी ई और बड़ी ई, फिर इसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों अगर आपस में मिलकर बड़ा रूप धारण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इस प्रकार ई, ये तो हमने ए की मात्रा ले ली, अब लेते हैं ई की मात्रा, तो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो गई, ई प्लस ई, ई प्लस ई बराबर ई, और ई प्लस ई बराबर ई। तो हम इसकी प्रकार इसका भी ये उदाहरण लेके एक एक उदाहरण आपको दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। गिरी प्लस इंद्र, ठीक, ये क्या हो गया? गिरिंद्र। गिरी छोटी ई और छोटी ई बनकर क्या हो गया? बड़ी ई का रूप इन्होंने ले लिया।
ग्री प्लस ईस, तो यहां पर क्या हो गया ग्रीस, ठीक बड़ा हो गया इसमें। अब बड़ी ई और छोटी ई, मही प्लस इंद्र, महिंद्र, बड़ी ई और बड़ी ई क्या हो गया रजनी प्लस ईस, रजनी, रजनी प्लस ई। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको ऊ की मात्रा के समझूंगी। ऊ का लेते हैं हम इसी प्रकार, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, बड़ा ऊ ही आता है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर ऊ। तो इसी प्रकार हम इसके एक एक वो लेंगे उदाहरण, जैसे भानु प्लस उदय क्या हो गया भानुदय, बड़ा हो गया ही, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है और यहाँ पर छोटा ऊ है ही, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए बड़े ऊ में बदल गए, यानी कि ऊ की मात्रा बड़ी यानी कि दीर्घ हो गई। ठीक है, इसी प्रकार अम्बू प्लस उर्मी, अम्बू प्लस उर्मी, तो ये क्या हो गया अम्बूर्मी, क्या हो गया अम्बूर्मी। इसी प्रकार बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव, भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, तो ऊर्जा। इस प्रकार हमारी जो वृद्धि संधि हो गई वो आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी कि जो समान स्वर या सजातीय स्वर, ऊ का ऊ से मेल हो रहा है, ठीक है, ई का ई से हो रहा था, ए का आ से या आ का ऐसे हो रहा था, इस प्रकार अगर ये दोनों आपस में मिलकर, ठीक है, और बड़ा यानी कि दीर्घ रूप ले लेते हैं या बड़ा हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, तो वहां पर क्या होती है दीर्घ स्वर संधि होती है। इसके बाद में हमारी है गुण संधि, अब हम पढ़ते हैं गुण संधि की, गुण संधि किसे कहते हैं। गुण स्वर संधि दूसरी है गुण स्वर संधि, गुण संधि में क्या होता है, इसमें होता है अगर ए या आ स्वर होते हैं, भाई स्वर का स्वर से ही मेल होगा, अगर ए या आ के बाद में ई ई ऊ ऊ और री आए ना, तो उसमें ए ओ और अर हो जाता है, इस प्रकार होता है। अब ये देखो यदि ए या आ के बाद, यानी कि हमारा जो पूर्व पद होता है उसमें तो ए या आ, जो प्लस का निशान मैं आपको वैसे समझा देती हूँ, एक बार आप इसकी परिभाषा लिखती हूँ उसके बाद मैं आपको समझा दू, ए या आ के बाद ए या आ के बाद ई ई ऊ ऊ या री आए तो क्रमशः क्या बन जाता है ए ओ और
आर बन जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि पहले जो पूर्व पद होता है उसमें तो ए और आ ही आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएंगे। जो इधर का प्लस की दरवाड़ा है उसमें तो ए आएगा या आ आएगा, लेकिन इनसे ए और आ से अगर ई का मेल हो गया, ठीक है, ई प्लस ई मिल गई तो यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक। अगर यह ए या आ के बाद में उ या उ आ जाएंगे तो वहां पर ओ हो जाएगा, ठीक। अगर ए या आ के बाद में री आ जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर ए आ के बाद में अगर ये आएंगे तो ये हो जाएगा, ए आ के बाद में अगर उ आएंगे तो ओ हो जाएगा, अगर ए आ के बाद में री आएगी तो उसका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अब देखो हम एक एक उदाहरण लेकर और फिर समझते हैं। वैसे आप इसको कोष्टक में अगर लिखना चाहो समझने के तौर पर तो ऐसे लिख सकते हो। ए आ प्लस ई, ई होगी तो बराबर में क्या हो जाएगा, ए, ठीक। और इसी प्रकार ए या आ के बाद में अगर उ या उ होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, ओ। और इसी प्रकार अगर ए या आ के बाद में अगर री होगा तो वहां पर हो जाएगा आर, ठीक। अगर हम इसको उदाहरण के तौर पर अगर समझे, एक उदाहरण हम इनका ले लेते हैं, जैसे ए आ प्लस ई, ई के बाद में री होता है तो जैसे देव प्लस इंद्र, देविंद्र, देव प्लस इंद्र क्या हो गया, देवेंद्र हो गया। यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, यानी कि किसका मेल हुआ, यहाँ पर ए प्लस ई बनकर क्या हो गई, ए हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देवेंद्र। इसी प्रकार अगर हम इसका उदाहरण लें, ए प्लस आ बराबर उ, तो इसका जैसे वीर प्लस उचित, तो यहां पर क्या हो गया, वीरोचित, क्या हो गया, वीरोचित। एक एक उदाहरण और ले लेते हैं इनके। रमा प्लस ईस, तो ये क्या हो गया, रमेश। महा प्लस ईस, महेश, ठीक है। और इसमें देखो महा प्लस उत्सव, महोत्सव, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ए और उ का मेल हो रहा है, इसमें आ और उ का मेल हो रहा है। इसी प्रकार आ और री के में देखते हैं तो कर्ण प्लस ऋषि, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण ऋषि। कर्ण ऋषि, ऐसे ही महा प्लस ऋषि, तो क्या हो गया, महर्षि। आपको गुण संधि की समझ में आ गई होगी, तो आ
हमारी दो संधि हो गई, कौन कौन सी? दीर्घ संधि और गुण संधि। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि, यण संधि और आयादि संधि, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।